2000 साल पहले केरल की कालड़ी में जन्मा हुआ एक बालक 7 साल की उम्र में घर छोड़कर के निकल पड़ता है। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी माँ भारती का भ्रमण करता है, हर भूभाग की मिट्टी को अपने भाल पे लगाता हुआ, तिलक करता हुआ इस केदार पर पहुंचता है और आखिर जीवन को भी यहीं पर समाहित कर देता है। जिस आदि शंकराचार्य के लिए एक पूरी चिंतन धारा भारत में सैकड़ों वर्षों तक प्रेरणा देती रही, प्रभावित करती रही, उनकी एक समाधि स्थल वो भी इस हादसे में नष्ट हो गया। उसकी डिजाइन पर अभी काम चल रहा है। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के निमंत्रण देता हूं कि ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। लेकिन यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो, उस दिशा में काम चल रहा है।